हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे डाइजीप्लेक्स जूनियर के बारे में। यह अल्केम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिरप है, बहुत ही बढ़िया सिरप है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम रवि हुआ और हेल्थ से जुड़ी जानकारी, दवाओं से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट logicstocks.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डाइजीप्लेक्स सिरप, इसका कंपोजिशन है डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप। यह 60 ml का पैकिंग में आता है और इसके 5 ml ईच कंटेंट अल्फा एंजाइम 100 mg और पेपैन 50 mg मिला करके इसको बनाया गया है। और बच्चों के लिए फ्लेवर बेस भी मिलाया गया है इसमें। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं इसके बारे में। डाइजीप्लेक्स जूनियर सिर्फ एक फॉर्मूला लेस है जो बच्चों में पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है। भोजन को पचाने के लिए पाचन एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। पाचन एंजाइम्स में प्रोटीन होते हैं जो मुख से छोटी आंत में और साथ ही लार में उत्पन्न होते हैं। बात करते हैं इसके किस किस काम में आता है। यह आहार अनुपूरक है जो पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है। पोषक तत्वों में अवशोषण में मदद करता है। कोलन स्वस्थता में सुधार करता है। कोलन होता क्या है? कोलन यानी मलाशय हमारे शरीर में पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जो खाना पचाने के बाद वेस्ट, जो खराब मटेरियल, मल के रूप में बाहर निकालता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि कुछ अवशिष्ट पदार्थ शरीर से नहीं निकल पाते हैं और कोलन में जमा रह जाते हैं, जो इन्फेक्शन होता है जो कि खराब खान पान के कारण होता है। यह भोजन के बाद बनने वाले गैस, अपच होना, कब्जियत रहना, बदहजमी को कम करता है और भूख को बढ़ाता है, लीवर को मजबूत बनाता है, उल्टी जैसी समस्या को बच्चों में दूर करता है और पाचन शक्ति मजबूत बनाने का कार्य करता है। पाचन एंजाइम वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यह पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देता है। इसको बच्चों में इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर सलाह अवश्य ले। अब आगे जानते हैं इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपयोग करने से पहले इसका लेबल को ध्यान से पढ़े और इसका एक्सपायरी डेट और बोतल सील है कि नहीं इसको अच्छी तरह से चेक कर ले। इसको सीधे धूप में न रखें, ठंडी जगह और सूखी जगह पर रखें। यह जो सिरप है बच्चों में भूख को बढ़ाने का काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, बच्चों को कब्जियत नहीं होने जाता है, गैस की समस्या को दूर करता है, लीवर को मजबूत बनाता है। इतने सारे फायदे हैं। बच्चों में बदहजमी जो होती है उसको दूर करता है। यह बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। डोज के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या फिर बच्चे के उम्र और बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों में डोज चलता है। 3 साल का बच्चा है, 2 से 3 साल का बच्चा है तो आप उसको 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं बड़ी आसानी से। और भी डोज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपको और भी जानना है तो आप हमारे logicstocks.in वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।